जी हमेशा एक एक को देते हैं, ये गलत है। अजमेर तो भाजपा गढ़ है तो भाजपा ही आएगी यहाँ। जो है जो दिखेगा वही बिकेगा। हो सकता है ये तो राजनीतिक है, जो भी होगा देखा जाएगा। अब देखो ये मेरे अकेले के सोचने से नहीं होता है, तो पूरी जनता पे। आप किसको वोट देंगे? ये वो बोल दिए और क्या, 110 के प्लस जाएंगे। ये तो आम आदमी है ना कोई। हरे भरे पेड़ और खूबसूरत पहाड़ी, और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं एक बड़ी सी झील जिसका नाम है आना सागर। और उसके ठीक पास में अगर बात करें तो आपको एक छोटा सा आईफिल टावर भी दिखेगा, और आईफिल टावर के ठीक पीछे एक छोटा सा ताजमहल भी नज़र आएगा। आज हम मौजूद है अजमेर विधानसभा क्षेत्र की एक पहाड़ी के ऊपर, जहां से आपको पूरा अजमेर नज़र आ रहा है। तो अब हम चलेंगे जनता के बीच और जनता से जानेंगे जनता का रुझान। तो आइए चलते हैं। क्या नाम है भाई साहब? भवानी शंकर। क्या करते हो? दुकान है, इलेक्ट्रिक की दुकान है। इस बार क्या लग रहा है अजमेर दक्षिण में, क्या क्या समीकरण बैठ रहे हैं? देखो वैसे तो मोदी लहर है तो बीजेपी की आनी चाहिए, बाकी कुछ अगर मोदी लहर के पीछे बीजेपी आएगी या विकास के पीछे आएगी? मेन तो मोदी लहर की वजह से ही मोदी आए। क्या कुछ विकास कार्य हुए? विकास तो अभी फ्लॉप ही चल रहे हैं। विकास फ्लॉप चल रहा है? हाँ। फिर भी बीजेपी आएगी? बीजेपी का तो वो है कि जब तक मोदी है तो लोगों को मोदी के ऊपर है, चाहे विकास हो नहीं हो लेकिन मोदी के ऊपर वोट देना है। कुछ मोदी का तो क्या, भारत पे विकास तो हो ही रहा है, सब विकास हो रहा है भारत का नाम तो। हम अजमेर दक्षिण की बात करें तो यहाँ विकास हुआ है बीजेपी के कार्यकाल में? विकास तो कम ही हो रहा है, कोई एक बार जीतने के बाद कर लेते हैं, दोबारा दे देते हैं, वापिस रिपीट में क्या टिकट चेंज करना चाहिए, हमेशा एक एक को देते हैं, ये गलत है। और क्या है कि एक्चुअल में एक बार जीत जाते हैं तो काम हो जाता है, दोबारा तो थोड़ा बहुत काम हो जाता है, तीसरे में फिर वो देखते हैं कि भाई हम ही हम हैं, तो वो हम ही हम का कुछ प्रभाव मिल सकता है नहीं। आप किसको वोट दोगे? देखो जी हम तो बीजेपी के हैं कट्टर। विकास नहीं हुआ तब भी बीजेपी को दोगे? कोशिश तो यही है लेकिन फिर देखो क्या होता है। इस बार क्या लग रहा है राजस्थान में किसकी सरकार आएगी? आनी तो बीजेपी की चाहिए लेकिन बरोबर चाहिए। आपको क्या लग रहा है, क्या रुझान किस तरफ? देखो रुझान तो आपके समीकरण तो बरोबर के लग रहे हैं, कांटे की है, बराबर के लग रहे हैं। एक्चुअल में ये जो दल बदलू लोग बहुत हो रहे हैं तो उसमें कुछ लोग क्या लगता है 25 साल की जो परिपाटी है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो इस बार उसको क्या बदलेगी? देखो हो भी सकता है, अशोक गहलोत ने काम भी किया अभी लोगों का काफी, तो बीजेपी का तो एक मोदी लहर में ही निकल जाएगा तो बात अलग है, वैसे काम तो अशोक गहलोत ने किए हैं। अशोक गहलोत ने काम किए। आपका क्या नाम है भाई? काम से नहीं सुनता, सुनते नहीं है। आप मार्ट साहब से बात करते हैं? मार्ट साहब क्या नाम है आपका? मैं रामपाल, मेरा नाम जी रामपाल। रामपाल जी क्या करते हैं? मैं रिटायरमेंट टीचर हूँ। रिटायरमेंट रिटायर हो गए, टीचर हो, तो क्या लग रहा है अजमेर में, क्या समीकरण बैठ रहे हैं चुनाव? अजमेर में तो अजमेर तो भाजपा गढ़ है तो भाजपा ही आएगी यहाँ। भाजपा ही आएगी? तो भाजपा ने कितना विकास किया? विकास तो करबन किया, ऐसी बात नहीं है, किया ही थोड़ा बहुत किया लेकिन उतना नहीं किया। कुछ एक गिनाओ क्या विकास है? देखो विकास तो आप देखो स्मार्ट सिटी बनाया है इन्होंने, स्मार्ट सिटी भाजपा ने स्मार्ट सिटी बनाया वो, और यहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से भाजपा ही आएगी यहाँ, तो भाजपा ही आएगी। आप किसको वोट करोगे है? आप किसको वोट करोगे? दूंगा भाजपा को ही दोगे दूंगा। राजस्थान में किसकी सरकार आ रही है? भाजपा की आएगी। भाजपा की आएगी? क्या लगता है कितनी सीटें मिल रही है भाजपा को? बहुमत आएगा, ये तो नहीं कह सकते, बहुमत आएगा, इसको बहुमत के साथ आएगी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मुकेश सक्सेना। क्या करते हो? ड्राइवरी करता हूँ। अच्छा क्या लग रहा है इस बार अजमेर में, क्या समीकरण बैठ रहे हैं? बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही है? क्या विकास किया बीजेपी ने? विकास करो या मत करो, बाकी अपने लिए तो बीजेपी है। सो विकास करो, अगर विकास नहीं है तो फिर कैसे मतलब बीजेपी है? हम तो बीजेपी के ही है भाई साहब। आप बीजेपी के ही हैं? हम तो शुरू से ही बीजेपी को ही देते आ रहे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अब तक के कार्यकाल में बीजेपी की सरकार यहाँ पे रही है तो क्या विकास हुए? मोदी जी ने भाई साहब जो 40 सालों में नहीं हो सका वो तो करके दिखा दिया। वो तो सेंटर की बात है, सेंटर में तो अपन अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हाँ यहीं से बन के जाएगी, राजस्थान से बन के जाएगी। तो क्या लग रहा है राजस्थान में किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आ रही है? कितनी सीट मिली? पूर्ण बहुमत से आएगी। पूर्ण बहुमत से? तो इस बार रुझान तो ये आ रहे हैं कि 25 साल की परिपाटी बदलेगी, इस बार हो सकता है कि कांग्रेस रिपीट हो।
हो सकता है ये तो राजनीति है, जो भी होगा देखा जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा कमलेश पारिक है। कमलेश जी, क्या लग रहा है अजमेर में किसकी सरकार आने वाली है, क्या रुझान? अब देखो सरकार तो बीजेपी का ही लग रहा है मेरे को। बीजेपी का ही लग रहा है? तो क्या लग रहा है? बीजेपी की चाहिए। बीजेपी की क्यों आनी चाहिए भाई? थोड़ा सपोर्ट आगे भी तो मिलेगा ना, सेंटर में सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट मिलेगा। आपके यहाँ पे पुराने पिछले कार्यकाल में क्या विकास हुए? कार्यकाल तो में हुए हैं, काम तो कराए हमारे इधर भी, काम करवाए। हाँ, क्या चाहते हैं? बीजेपी की सरकार है। अब देखो ये मेरे अकेले के सोचने से नहीं होता है, तो पूरी जनता पे। आप किसको वोट देंगे? अब वो तो देखो दे देंगे हम, वो हमारी इच्छा है, देखो वो तो हमारा मत है। क्या लगता है राजस्थान, राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? अब देखो राजस्थान में तो हवा पलट भी रही है, थोड़ा चेंजेज होना भी चाहिए भाई। एक यदि आदमी के हाथ में सत्ता रहती है तो थोड़ा उसमें भी वो हो जाता है, इसलिए दूसरे नए को भी अवसर देना चाहिए। क्या लगता है कि हर बार की तरह 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस रहेगा या फिर इस बार 25 साल की परिपाटी बदलने वाली? नहीं, अब यदि जैसे कांग्रेस रही है तो बीजेपी को भी मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए, लेकिन क्या रुझान, क्या लग रहे हैं कि किस कौन है? जान तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है, अपन सब नहीं कर सकते, अपन तो खाली अपना जान सकते हैं, बाकी थोड़ा बहुत बदलाव होना जरूरी है। बदलाव होना जरूरी है। हाँ जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम गीता है। गीता, गीता जी क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है आपके अजमेर में? ये वो बोल दिया और क्या। आपको पर्सनली क्या लगता है? ये बीजेपी और क्या है, बीजेपी आएगी। कुछ विकास किया है आपके यहाँ क्षेत्र में बीजेपी ने? विकास हुआ है? वोट किसको कर रहे हैं अब देखो वोट नहीं बताएंगे जी। आपका क्या नाम है? मेरा रामेश्वरी है। रामेश्वरी जी किसको वोट करेंगे? अब वो तो इच्छा के ऊपर है, देखो किसकी सरकार आनी चाहिए आपके यहाँ अजमेर में? सारे ये बीजेपी आएगी। आपका मत क्या है, आप क्या चाहते हो? हम भी यही चाहते हैं बीजेपी, बीजेपी की सरकार है। कुछ विकास किए हैं बीजेपी ने आपके? बहुत कराने विकास किए हैं। विकास किए हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? दिनेश शर्मा। दिनेश जी क्या लग रहा है अजमेर में किसकी सरकार बना रहे हो? सरकार तो आप देख लो तो मत के ऊपर है जो ये ऊपर। आपको क्या लगता है बीजेपी आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए, क्या क्या विकास विकास हुए हैं बीजेपी के कार्यकाल में? कुछ नहीं, कम जो है जो दिखेगा वही बिकेगा। विकास हुए हैं क्या? विकास हुए। क्या क्या विकास हुए हैं बताओ? रोड बनी है, छोटा मोटे सफाई हो रही है कहीं, मतलब उस सब का जगह काम। क्या लग रहा है रुझान किस तरफ है? हाँ, जनता का रुझान किस तरफ? कमल की तरफ है मेरे तो। कमल की तरफ है। आप किसको वोट दोगे? कमल ही है। कमल को दोगे? तो राजस्थान में क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? अब सरकार तो एक दूसरे को पता है, आपको ऊपर का भी नीचे है, वो तो गढ़ जीतने वाले हैं। रुझान क्या लग रहे हैं कि राजस्थान में किसकी बनेगी? बनेगी बीजेपी की सरकार बनेगी। तो रुझान तो ऐसे आ रहे हैं कि इस बार 25 साल की परिपाटी बदलने जा रही है, तो क्या बीजेपी आएगी? वो तो देखिए बन रही, तो आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें मिलेगी बीजेपी? मिलेगी तो अनुमान है, आधा तो मिलेगा या आधा मिलेगा। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम साहिल चौहान है। साहिल जी क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ सर, प्राइवेट। जॉब करते हो? पहले वोटर हो? नहीं, सेकेंड हूँ। पिछली बार वोट दिया था, तो क्या लग रहा है पिछली बार के कुछ का विकास हुए हैं आपके यहाँ अजमेर में? बार से लेकर अभी तक मैं अगर कहूँ तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में तो कोई विकास नहीं हुआ। कांग्रेस की गवर्नमेंट में कोई विकास नहीं है? और यहाँ पे मेरे हिसाब से आपके यहाँ तो बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी की सरकार थी, कोई कार्यकाल में हुए हैं विकास? काम हुआ है, अगर मैं आपको बात कहूँ तो 3 से 4 साल पहले हमारा ये शमशान था, ये बिल्कुल यानी खंडर व्यवस्था में था। 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है ना तब से ये शमशान पूरा बना है और पूरी कॉलोनी में बिल्कुल विकास हुआ है। पीछे गार्डन बन गए 2-3, यहाँ से हर तरीके से यहाँ पे कॉलोनी काटी गई। पहले ये कब्जा था पूरा, इनको हटवा के कॉलोनियाँ काटी, ऐसा बहुत सारे विकास के काम हुए हैं हमारे यहाँ पे ऐसा, और बीजेपी के राज में ही हुए ऐसा। किसको वोट कर रहे हो इस बार? बीजेपी। बीजेपी को ही कर रहे हो? और राजस्थान में किसकी सरकार ला रहे हो? बीजेपी ही आएगी सर, बीजेपी ही आएगी। तो क्या लगता है कितनी सीटें मिल रही है बीजेपी? 110 के प्लस जाएंगे। 110 के प्लस जाएंगे। तो सट्टे बाजार की बात करें या और कोई सर्वे की बात करें तो बताया जा रहा है कि इस बार 25 साल की परिपाटी बदलने जा रही है, कांग्रेस वापस आती नजर आ रही है। कुछ भी हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, भ्रम है एक तरह से। जी बजरंगलाल जैन। बजरंगलाल जी क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार ला रहे हो? सरकार तो कांग्रेस की लग रही है, हमारे यहाँ से तो बीजेपी जीतेगी। सरकार कांग्रेस की लग रही है राजस्थान में और आपके यहाँ से अजमेर से बीजेपी जीतेगी। क्या पिछली बार भी बीजेपी का कार्यकाल रहा, कुछ हुए हैं विकास कार्य? हाँ, थोड़े बहुत हुए, चलते हैं, जो विपक्ष था इसलिए थोड़ा कम हुए है, चलता था विकास तो हुआ। विकास कम हुआ है। कांग्रेस को इस बार नहीं चुनने का कोई वो नहीं है विचार? अगर विकास कम हुआ है तो कांग्रेस को नहीं चुनोगे? सभी है, कांग्रेस को भी देख ली पहली पास था, सभी ऐसे चलता रहता है ऐसे।
राजस्थान में क्या लग रहा है, कितनी सीट ला रही है कांग्रेस? सीट का तो क्या बताएं, बराबर की टक्कर ही है आपके। बराबर की टक्कर है। इस साल की परिपाटी बदलेगी क्या इस बार? बदलने का आसार है। एक साल बीजेपी एक साल कांग्रेस रहती है, तो इस बार कांग्रेस रिपीट कर सकती है? हाँ, लग तो ऐसे ही रहा, लग रहा है ऐसे। और आप किसको वोट करोगे? मैं तो शायद आम आदमी है ना, कोई आम आदमी को वोट करोगे? नहीं, बीजेपी को करेंगे। बीजेपी को करोगे कि आम आदमी को करोगे? बीजेपी को करेंगे।